अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों आपका अगर इंडक्शन जो घर पे यूज़ में है और वो अगर चलते चलते बंद पड़ जाता है बार बार, तो आज मैं आपको उसका सलूशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को आती रहती है। तो जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत से घरों में आती है। जो इंडक्शन होता है वो चलते चलते बहुत बार बंद पड़ता है, तो उसकी मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि क्यों बंद पड़ता है, और इसका इलाज भी बताऊंगा कि आप क्या करें तो ये बंद पड़ना बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने इसके जो स्क्रू है वो पहले ओपन करके रखे हैं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो अब हमें जो है इसको जो ये जो बेल्ट है इसको रिमूव कर लेना है, ताकि हम ये जो इसका गिलास जो है टफन गिलास इसको साइड में रख सके। तो दोस्तों, इसकी जो वजह होती है, वो सबसे जो ख़ास वजह होती है इसकी बंद जो चलते चलते बंद होने की, वो है कॉइल हीटिंग। तो दोस्तों, अगर ये हमारा जो कॉइल है, वैसे तो जब हम यूज़ करते हैं इंडक्शन को, तो ये कॉइल बिल्कुल भी गर्म हीट नहीं होता है। जो इसके ऊपर जो हमारा जो बर्तन होता है उसको ये हीट करता है, और जो हमारा गिलास है, जो इसके ऊपर जो टफन गिलास है, वो भी हीट नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट जो है हमारे बर्तन को गर्म करता है। तो दोस्तों, उसकी खास वजह है ये एग्जॉस्ट फैन। ये जो इसके अंदर जो फैन दिया है, ये जो हीट को कंट्रोल करता है। अगर इसके ऊपर डस्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जाए, तो इसकी जो है स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉइल को ठंडा नहीं रख पाता है। और जब कॉइल अगर ठंडा नहीं रहेगा, तो जो हमारा इंडक्शन है वो बार बार बंद पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका जो ये फैन है, इसको आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे हम। और दोस्तों, यही एक प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, कि जो फैन है वो अगर आपके ये बार बार साफ़ करने पर भी अगर वही प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये फ़ैन को चेंज कर लेना है। ये 70-80 रुपए के अंदर मार्केट में किसी भी शॉप पर मिल जाता है। तो देखिए जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुका है। हम इसको एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे। आपको बैक साइड से, फ्रंट साइड से, दोनों साइड से इसके जो ये है इसको अच्छे से क्लीन करना है। मैं अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ इसको किस तरह से आपको क्लीन करना है। आप चाहे तो इसका यहाँ से सॉकेट निकाल के इसको बाहर भी निकाल सकते हैं क्लीन करने के लिए। तो आपको जो है इसके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं रखना चाहिए, तो ये आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा अभी साफ़ किया है, और आपको इसको एकदम बिल्कुल अच्छा ही क्लीन करना है। आप चाहे तो इसके कॉइल को भी सॉफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको वापस से फिट कर लेता हूँ। बस छोटी सी जानकारी है दोस्तों आपको ये जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो घर बैठे सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप इसको शॉप में ले जाते हैं, तो आपसे 300 या 400 रुपये ज़रूर चार्ज कर लेंगे वो। अभी हम इसको वापस लगा के मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये हमने सॉकेट जैसा निकाला था, इसको वैसे ही लगाना है हमें। ये उल्टा पलटी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। आपको हम तो कारीगर हैं, हम इसको डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन आपको इसको देख के निकालना है कि आप किस तरह से इसको निकालेंगे, और उसी तरह से आपको इसको वापस लगा देना है। तो चलिए अब मैं इसको आपको ऑन करके बताता हूँ। ये हमने प्लग में लगाया इसको, ये लिया हमने इसके ऊपर कढ़ाई। अभी हम इसको ऑन करेंगे। ये किया हमने ऑन। देखिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लगा है। पहले ये भी बहुत बार बार प्रॉब्लम दे रहा था। ये देखिए आप, 1300 पे इसको हमने सेट किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से ये वर्क करता है दोस्तों। तो चलिए, आपको दी गई जानकारी पसंद आई होंगी, कुछ तो आपकी हेल्प हुई होंगी। तो ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।